जो गठिया बाहर का पेन है ये जेनेटिक ज्यादा होता है या फिर किस वजह से होता है, मतलब अपने लाइफ स्टाइल में ऐसा क्या चेंज करेंगे जो अभी सुन रहे हैं दर्शक जिनको नहीं है गठिया बाहर वो अवेयर रहे इस प्रॉब्लम से? जी, सो नंबर वन इज प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, नंबर टू इज अर्ली डिटेक्शन और अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। तो जिनको नहीं है कोई जॉइंट पेन वो अपने बॉडी वेट को कंट्रोल रखें, अपना डेली एक्सरसाइज मेंटेन रखें, 45 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक, 10,000 स्टेप्स अ डे, साइकिलिंग इज एक्सेलेंट एक्सरसाइज फॉर जॉइंट्स एंड डूइंग सम स्ट्रेचेस एंड योगा डेली। तो ये तो एक ऑप्शन सबको लेना चाहिए। अपना डाइट के अंदर कैल्शियम विटामिन डी मिल्क प्रोडक्ट एक बैलेंस डाइट लीजिए ताकि बोन जॉइंट हेल्दी रहे, और जिसको ऑलरेडी जॉइंट पेन हो रहे वो जल्द से जल्द अपना इलाज शुरू करने के लिए अर्ली डायग्नोसिस की तरफ एम करें। तो अपने ऑर्थोपेडिशियन को दिखा के वो किस लिए हो रहा है डायग्नोसिस बताएं। बिल्कुल, तो भी घुटनों का दर्द अब लास्ट स्टेज पे है और हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? सो घुटनों का दर्द से काफी लोग इस सालों से परेशान रहते हैं बिफोर दे फर्स्ट थिंकिंग ऑफ विजिटिंग द डॉक्टर, क्योंकि उनको डर होता है कि डॉक्टर इसमें सर्जरी रिकमेंड करेंगे या घुटना बदलने के लिए एडवाइस करेंगे। तो मैं ये बताना चाहूंगा, अगर आप अर्ली स्टेजेस में आ रहे घुटना दर्द की वजह से तो हम इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। घुटनों में दवाई, कुछ घुटनों की ग्रीस की कुछ दवाइयां आती है, घुटनों के लुब्रिकेशन के लिए इंजेक्शन आते हैं, आजकल रीजेनरेटिव थेरेपी, पीआरपी थेरेपी, अलग किस्म के इंजेक्शन है जो इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं अर्ली स्टेजेस में। बट जब एडवांस स्टेजेस में वापस आ रहे हैं और लॉन्ग स्टैंडिंग दर्द के साथ आ रहे हैं तो उस घुटने का हिस्सा जो खराब हो गया है उसको बदलने से ही पेशेंट को रिलीफ मिलता है। तो डिपेंडिंग पेशेंट का कौन सा हिस्सा खराब है घुटने का, अंदर का, बाहर का या पूरा हिस्सा खराब है, हम पार्शियली टोटली रिप्लेसमेंट पेशेंट को एडवाइस करते हैं। जी सर, सवाल बहुत सारे हैं और अभी काफ़ी कुछ रह गया है, तो एक बार फिर आपके साथ हम इस टॉपिक में जुड़ेंगे तब हम पूछेंगे आपसे कि आपके सर्जरी के बाद क्या ख्याल रखना चाहिए और सर्जरी से लोग डरते हैं तो वो कैसे अपना ख्याल रखें। तो अभी हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि अपनी साइड से आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू एडवाइस एवरीवन इज नंबर वन, कीप योर बॉडी वेट अंडर चेक। आप एक्टिव रहिए, देखिए अपने रूटीन में 1 घंटा एक्सरसाइज वॉकिंग जरूर कीजिए, जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वो डेली स्ट्रेचेस जरूर कीजिए ताकि मसल्स टाइट ना हो और बैलेंस टाइट मेंटेन कीजिए। इफ यू डू ऑल दीज थिंग्स आपके जोड़ स्वस्थ रहेंगे, आपकी हड्डियां ठीक रहेंगी, ना फ्रैक्चर्स का रिस्क रहेगा ना जोड़ों में दर्द का रिस्क रहेगा। अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप उसको इग्नोर ना करिए, रहने की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज लॉट ऑफ ऑप्शंस व्हिच कैन मेक योर लाइफ without pain. So do take a patient with your orthopedician to be pain free. जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुणाल आपका हमारे इस सेशन में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बहुत जवाब देने के लिए। तो फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हेल्थ। नमस्कार।